हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस क्लास नाइन सेवा बोर्ड तो सेवा बोर्ड की हिस्ट्री की पहली लेसन जिसका नाम है एवेंट ऑफ द यूरोपियंस इनटू इंडिया इस वीडियो में हम लोग एम और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि जो कि इस साल आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग एम से स्टार्ट करते हैं तो एमसीक्यूस में देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज सेलर टू डिस्कवर द सी रूट बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट तो ये था हमारा वास्को डीमा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी कांडिया इन फोर्टीन नाइनटी एट एडी एट सबसे पहले कहां पहुंचा था तो कलिकुट पोर्ट इन साउथ इंडिया नेक्स्ट है हमारा हु वाज द इंग्लिश सेलर एबल टू मूव राउंड द अर्थ थ्रो द सी रूट तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है इंग्लिश सेलर हु एंटर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम तो हुआ था जॉन्स मिडल हॉल नेक्स्ट है हमारा द इंग्लिश सेलर जॉन माइल्डन हॉल एंटर इंडिया इन कौन से साल में हुआ था यह तो हुआ था हमारा ये फिफ्टीन नाइनटी नाइन ए डी में फिर वेन वाज द फर्स्ट या फिर वेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश इनिशियली स्टैब्लिश तो कब इनिशियली ये स्टैब्लिश हुआ था तो इसके इसके ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा तो इसका आंसर है हमारा सिक्स टीन हंड्रेड ए डी विच अमाउंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू परमानेंटली रूल इन इंडिया तो इसका आंसर है टू स्टैब्लिश ट्रेड सुप्रीमिससी इन इंडिया ये सब सारे ऐसे एमसी की उस है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट ट्रेड सेंटर ऑफ इंग्लिश स्टैब्लिश एट तो यह मसली पत्नम वेन डि द फर्स्ट ट्रेड बिटवीन या फिर सेंटर ऑफ द इंग्लिश स्टैब्लिश एट मसलीपुतम तो यह था हंड्रेड इलेवन एडी वाट इज फोर्ट विलियम तो फोर्ट विलियम क्या है तो फोर्ट विलियम इट इज अ फोर्ट बिल्ड इन ऑनर ऑफ़ द किंग विलियम थ्री नेक्स्ट हमारा द विलियम फोर्ट वस बिल्डिंग कहाँ पर बना था यह तो यह था कोलकाता में द ओल्ड नेम ऑफ द फोर्ट विलियम वस सबसे पुराना नाम क्या था तो ये था कोलकाता ट्रेड सेंटर नेक्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज एन एक्ट ऑन कब एनेट किया गया था तो ये अगस्त सेकेंड अगस्त 1858 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास बाय किसके द्वारा पास किया गया था तो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1599 में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ सेंट जॉन्स मिल्डन हॉल एन इंग्लिश सेलर टू इंडिया हु वॉज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग दैट टाइम तो था वो अकबर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट मसलीपुतम इन 1611 विद द परमिशन ऑफ द सुल्तान कौन थे वो सुल्तान तो उसका आंसर हम लोग यहाँ पे या दिल्ली गोलकुंडा मोहन या फिर नन ऑफ दिस तो इसका हमारा आंसर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा तो ये गोलकुंडा हु इज द फर्स्ट रिमार्केबल पर्सन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू पै द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इन इन इंडिया तो कौन थे वो? तो रॉबर्ट क्लाइव द ऑफ सेपाई म्यूटनी हेल्ड इन तो ये 1857 फिफ्टी सेवन है वेन डिड द इंडियन काउंसिल एक्ट तो ये कब पास हुआ था 1861 में हु वन द फर्स्ट मैट्रेट ऑफ सिपॉय म्यूटनी 1857 तो ये थे मंगल पांडे ये तो हो गए एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने वेन डिट से म्यूटनी ब्रेकआउट म्यूटनी कब ब्रेकआउट हुआ था एटीन फिफ्टी सेवन में हु इज द फर्स्ट मैट्रेट कौन सबसे पहले शहीद हुआ था तो मंगल पांडे वेन डिट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कब पास हुआ था एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट में फोर्थ विलियम क्या है फोर्ट विलियम तो फोर्ट विलियम क्या है फोर्ट विलियम एक फोर्ट है जिसको बिल्ड किया गया था ये बिल्ड का स्पेलिंग थोड़ा सा गलती है ठीक है इन ऑनर ऑफ ब्रिटिश किंग विलियम थ्री इन कोलकाता वेयर इज ब्रिटिश ये विलियम फोर्ट कहाँ लोकेटेड है तो कोलकाता तो एम सी क्यूज में जैसे मैंने बताया था वो उसी तरीके का ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये सब जो है ना आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो ये सब सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आई होप कि आपको जो है ये वीडियो इनफॉर्मेटिव लगा होगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लास नाइन के और कौन से सब्जेक्ट और कौन से चैप्टर्स के आपके आपको एमसीक्यू चाहिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ टिल देन गुड बाय